अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादि काल से चला रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से अंधी थी और स्वर्गलोक से ये वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगे, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गाँव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से दो वचन दिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहे इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवी वासुदेव को मुक्त कराया और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं, साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मिणी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपने दैवीय कार्यों में लीन हो गए। दोस्तों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। दोस्तों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्रचलित कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते।
करते हैं तो कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिलाओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मिणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां वो तेज और ऊर्जावान स्त्री को खड़ा देखती है तो उनसे पूछती है कि क्या आप ही राधा हो? तो वो कहती है, नहीं मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो सात द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मिणी जी एक दो करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती है। दोस्तों, जब वो राधा रानी के कक्ष में पहुँचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही है और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मिणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है तो उतने में ही राधा उठ जाती है और कहती है कि कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है, केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हीं के बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो वो बिना कुछ सोचे रुक्मिणी से वो गर्म दूध लेके पी जाती है, जिसे देखकर रुक्मिणी हैरान रह जाती है। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मिणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है कि प्रभु आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मिणी को राधा और कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी है और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या आयन से उनका विवाह भी हो जाता है। पर अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है, तो फिर वो कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुँचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान ही नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्ण तो अब अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी, तो कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी, जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहाँ दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी, वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगी और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने
बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपने शेष जीवन में बांसुरी तो क्या किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है, एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, जिनके शरीर बस अलग थे और आत्मा एक ही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।